शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। पाइपर वार्निंग, 4.5 नॉर्थ वेस्ट, टेकिंग एवेसिव एक्शन ओवर। पाइपर टू, हेल। मेडे मेडे, आई एम हिट। ईगल वन, चेक इंजन पैरामीटर्स। एग्रेसिव कंट्रोल, लूजिंग हाइट। ईगल वन, इजेक्ट। सर मुझे लगता है कि मेरे कैमरे में कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं। हाइट लेके गाइड करने की कोशिश करता हूँ। सिड, डोंट बी सिली। ज़्यादा हाइट लूज करने के बाद तुम इजेक्ट नहीं कर पाओ। कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा सर कि कितना मुश्किल है। सी यू ऑन द बेस टू ईगल वन, तुम कंट्रोल लूज कर रहे हो। इजेक्ट, इजेक्ट। सर ईगल वन रडार पे नहीं है। ईगल वन, अग्रेसर, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? ईगल वन, कैन यू हियर मी? सर वो देखिए क्या है पानी। अरे सैमी बॉय यार, तुम बोरी पीटते रहोगे या आकर हमारे आज के हीरो को कंग्रेचुलेट भी करोगे? बाहर हंगामा हो रहा है, जानते हो साइडी ने। जय चीज़, मिसाइल से हिट हुए एयरक्राफ्ट को उतार लाया और हीरो बन गया। पहले जाके पूछ, मिसाइल लगने की होती। बेटा मेरी जगह उस प्लेन में अगर तू होता ना, तो प्लेन समेत तेरी हड्डियों का ढांचा बॉर्डर के उस पर खेतों में पड़ा होता। मिसाइल क्यों लगने दी? टेक अ वॉक, कम ऑन गाइस, यू टेक अ वॉक गाइस, कम ऑन, ग्रो अप। तुम दोनों का पिछले जन्म का कोई बैर है क्या? हा? हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। जा भाई, जा जा जा, बोरी पीटो। और तुम, मैंने कह दिया था डीब्रीफिंग के बाद तुम घर आ रहे हो, आंटी चिंता कर रही होगी। जा भाई जा जा, और तुम भी जाओ जाओ, लग रहा हो। इसीलिए नहीं चाहती थी कि आपकी तरह एयरफोर्स ज्वाइन करे। आधी जिंदगी जहाज उड़ा कर बाप ने कलेजा गले में अटकाई रखा, बाकी की आधी जिंदगी बेटा वही करेगा। किसी दिन मुझे हार्ट अटैक हो गया ना, लेकिन मेरी फिक्र किसे है? मैं देखता हूं। हेलो, हाय डार्लिंग। ओ हाय स्वीटी, घर पर छुट्टी मना रहे हो हमारे बिना? नहीं, अभी सॉरी से। प्रोग्राम है कि नहीं? हाँ मिलते हैं ना। पक्का? बिल्कुल। अच्छा कहो ना, I love you। अभी नहीं। Please, please कहो ना। नहीं कह सकता। Please कहो ना, this is not fair। अभी नहीं कह सकता। Please कहो ना। समझा करो, अभी नहीं कह सकता। हाँ? But you do love me, no? Absolutely। Okay। Okay। Bye। Bye। चलिए। नहीं नहीं, जो कोई भी थी बेचारी कुछ अच्छा ही कहलवाना चाह रही होगी, कह देते। वैसे गर्लफ्रेंड नंबर कौन सी थी? डैड खुले दिल वाले दोस्तियों का हिसाब नहीं रखते। अच्छा। बेटा तुमने तो दिल की जगह कंपनी बाग पाया है, पता नहीं किस किस को टहला रहे हो। बाज आ जाओ, कहीं तुम्हारी माँ ने खाता खोल लिया ना तो तुम तो पिटोगे ही। बाप ये क्या कर पिटेगा कि लड़के को बिगाड़ा आपने। एनीवे, ये फोटोग्राफ जो तुम बचा कर लाए हो, ये कितने क्रूशियल हैं? एनी गैसेस? पता नहीं डैड, पर मुझे लगता है इनमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा। वैसे भी दुश्मन की एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, बाकी तो टॉप ब्रास ही बताएगा। अरे सिद्धार्थ ने कमाल किया, उसके जहाज की हालत देखकर ग्राउंड क्रू हैरान था कि वो वापस कैसे आ गया। ओह ही इज अ ग्रेट पायलट सर, बड़ा तेज लड़का है। मुझे उसकी इंस्टिंक्ट्स पर पूरा पूरा भरोसा है। उसकी लाई हुई फोटोग्राफ्स डेवलप हो जाएं तो हमें कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। आई एम एब्सोल्युटली श्योर। बॉर्डर पर एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, अगर इन तस्वीरों से कोई सबूत मिल गया तो हमें जंग की तैयारी करने की खुली छूट मिल जाएगी। कश्मीर की हवा में गर्मी बढ़ गई है सर, इस बार मुकाबला आर या पार का होगा। मेरी हेडक्वार्टर से बात हुई थी। इन फोटोग्राफ्स को एनालाइज करने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम दिल्ली से आ रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। राइट सर। अभी अभी श्रीनगर से खबर मिली है कि उनका एक पायलट हमारी फ्रंटलाइन की जो तस्वीरें खींच कर ले गया है, उसी के बिना पर वो लोग आगे की तैयारी करेंगे। लेकिन जो वो नहीं जानते उसकी तैयारी वो कैसे करेंगे? जनाब, हमारा सबसे काबिल एजेंट फतेह अफगानी सरहद के उस पार पहुंच चुका है। वेलकम बैक बारिक। वेलकम इपारी। हाँ, क्या हाल है दोस्त? आपका हाथ पड़ने से पहले तो ठीक था। मैडम, आप खाती क्या है? ओह शट अप, ये लड़कियों की तरह बिहेव करना बंद कर दो। वैसे दोपहर को स्क्वॉश में मुझसे 2-4 गेम हारने का मूड है ना? गैरेट, सबको 1500 आवर्स पर ब्रीफिंग है। आराम करने के लिए वक्त बहुत कम मिलेगा। चले चले मतलब? गिव मी द कीज, आई एम ड्राइविंग। सबसे पहले मैं फ्लाइंग ऑफिसर सिद्धार्थ सिंह को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वो अपनी जान पर खेलकर ये तस्वीरें बचा लाए। थैंक यू सर। फेलो ऑफिसर्स, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि जंग का माहौल गहराता जा रहा है। मैं आप लोगों को फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि कश्मीर के आसमान की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए हमारा एयरबेस दुश्मन के सबसे पहले निशानों में से एक होगा। यह है एयरबेस का ताजा नक्शा। एंट्री, क्वार्टर गार्ड, रनवे, कंट्रोल रूम और रडार। जरूर जनाब। तुम जल्द से जल्द मेरे यहाँ दाखिल होने का इंतजाम करोगे। जी बेहतर। ताहिर, असलहा निकल चुका है भाईजान, और इंशाल्लाह जुम्मे तक हमारे हाथ में होगा। चार्ल्स एक्साइज में मैंने पहली बार कोबरा मनूवर ट्राई किया। गैरी मेरे पीछे था, मैं सीधा ऊपर गया, थ्रॉटल किल किया और गैरी मेरे आगे, और पीछे से मैंने मिसाइल लॉक कर दी। बेचारा गैरी शिकारी बनते बनते खुद शिकार बन गया। मिराज में उस स्पीड पर कोबरा मनूवर, पूरा फ्रेम हिल गया होगा यार। हाँ, वो हिल गया था, लेकिन मैंने इतनी देर से कर क्या रहा है? अपनी गर्लफ्रेंड्स की एल्बम ठीक कर रहा है। छोड़ना उसे, आगे बोल। हे सैमी। वाह। व्हाट? मत देख, आज ही बेस पे आया है। क्यों मुसीबत को इनविटेशन कार्ड भेज रहे हैं? पूछ यार, इंट्रो तो करवाओ। सुन रहे हो, एनजी से इंट्रो चाहिए इसे। क्या पिया जा रहा है बानी? Some beer. मैं offer the lady a drink. मर्दों वाली कोई हार्ड ड्रिंक ऑफर करने के गुस्ताखी नहीं करूंगा। आप जूस वूस तो पी सकती है ना? मर गया। ओह, आप मर्दों वाली कौन सी हार्ड ड्रिंक पीते हैं? जान सकती हूँ। मैं टकीला पीता हूँ। तो आप वहाँ क्या कर रहे हैं? इधर आइए। हाय, फ्लाइंग ऑफिसर कुणाल तिवारी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अंजना रावत। नाइस नेम। प्लीज सिट। थैंक्स। रमेश टकीला। जान दें। जो पहले पीना बंद करेगा वो सारी ड्रिंक्स के लिए पे करेगा। आई लाइक इट। श्योर। चीयर्स। चीयर्स। गई बत्ती गुल, चल भाई कंधा देने का टाइम है। मर्दों वाली हार्ड ड्रिंक पंजा लड़ाएगा। रमेश बिल साहब के अकाउंट में। इसको संभालो यार, मैं मैम को घर छोड़ के आता हूँ। छोड़कर आता मतलब? तुम्हें क्या लगता है मुझे जल्दी है? बिल्कुल नहीं। उठा उठा कम ऑन, गेट होल्ड ऑफ योरसेल्फ। कुणाल बस हो गया, अभी घर चल। ये सब करने की क्या जरूरत है? बड़ा भारी है यार ये। कुणाल अपना विशाल होता ना कुणाल, तो इसके वजन की एक कविता सुना देता। अरे हाँ, आ कब अपने शायर आपको ये शिकायत है ना कि शादी के फौरन बाद काम की वजह से हनीमून का वक्त नहीं मिलेगा। तो बस बंदा आपको ऐसी जगह पे ले आया है जहाँ काम हो या ना हो हनीमून खत्म नहीं होगा। गलत बात। हमने कब शिकायत की आपसे? हम तो आपसे कयामत तक शिकायत ना करें। ऐ वाजे नादा करते हो तुम्हें कयामत का चर्चा। यहाँ रोज निगाहें मिलती हैं, यहाँ रोज कयामत होती है। भाई वाह, मजा आ गया। कश्मीर की हवा में शायरी की खुशबू आई। मैं समझ गया तू आ गया। बस क्या हाल है तेरा? चाली सब ठीक है? एकदम फिट। हाय नुपुर। हाय, हाउ यू डूइंग? फाइन। वेलकम वेलकम वेलकम। भाई नुपुर, जब से तुमने होश संभाला तुम इसे भी जानती और मुझे भी जानती, फिर तुमने इस डफर को क्यों चुना? अब क्या कर सकते हैं, जब कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने हेड एंड टेल्स कर लिया। अब तुम टॉस हार गए तो मैं क्या कर सकती हूँ। टॉस हार ही गया। हाँ चलना, अभी बहुत हो गया, सामान उठाओ और चल। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। फ्लाइट लेफ्टिनेंट विशाल देव। हाँ जी। प्लीज आइए हमारे साथ। You are under arrest. What? क्या तमाशा है? There must be a misunderstanding. जी नहीं, इनके खिलाफ हमारे पास पक्के सबूत हैं। What are the charges? क्या जुर्म है? Treason, गद्दारी, एयरफोर्स के सीक्रेट्स को दुश्मनों को बेचने की साजिश। What? हाँ, हाँ ये सच है। मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था, दिमाग खराब हो गया था। पहली बार तो तकलीफ हुई, फिर रकम बढ़ती गई और लालच भी। बस गलती हो गई यार। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। सारी जिंदगी अपने से ज्यादा तुझ पर भरोसा करता था मैं। और ये, इसकी क्या गलती थी? अब ये क्या करे वो भी बता दो ना इसे। नुपुर, अपने साथ साथ मैंने तुम्हें भी धोखा दिया। मैं जानता हूँ। प्लीज आई एम सॉरी। आई लव यू। लिसन। Get a hold of yourself, please. Please. तुम इस तरह से टूट जाओगी तो जिंदगी से मुकाबला कैसे करोगी? मैं क्या कर सकती हूँ? चार्ली, तुम जानते हो ना, घर वालों से झगड़ा करके विशाल से शादी की थी। अब क्या करूं? किसके पास जाऊं? किससे मिलूं? नुपुर, जो भी हो, तुम एफॉस फैमिली की मेंबर हो। आज शाम को हमने तुम्हारे और विशाल के लिए मेस में पार्टी रखी थी। लोग तो जमा होंगे ही। तुम्हें एओसी से मिलना चाहिए। He is the head of the family. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. हम सब यहाँ आपका एयरफोर्स फैमिली में स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए थे। जो कुछ हुआ इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी सैड। हम सब आपके साथ हैं। इफ यू नीड एनीथिंग प्लीज। सर, विशाल का क्या होगा? सावंत, देखिए, अब ट्रीजन के केसेस में डेथ पेनल्टी, फायरिंग स्क्वाड, लेकिन अपने आप को संभालो। इधर आओ, यहाँ बैठो। टेक इट इजी नाउ, बैठो, जस्ट रिलैक्स। कम ऑन नुपुर, बी ब्रेव। नुपुर, मेरे ख्याल से तुम्हें विशाल को तलाक दे देना चाहिए। एक गद्दार की विधवा कहलाने से तो अच्छा है ना। और फिर इन एनी केस हम दोनों शादी कर ही लेंगे। What? यार, दिस इज नॉट फेयर। यार, बीच में हंसना अलाउड नहीं था क्या? थोड़ी देर और रुक नहीं सकते थे? सॉरी मैम, सर्विस का एक ट्रेडिशन है कि नई ब्राइड के साथ प्रैंक यानी मजाक किया जाता है, और आपके केस में थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया। आपका मतलब? रोने वाले, तुझे रोने का सलीका भी नहीं, अश्क पीने के लिए हैं या बहाने के लिए। वाह। नुपुर, ये है फ्लाइट लेफ्टिनेंट सेना मैम एंड फ्लाइंग ऑफिसर कुलदीप मैम। पार्ट टाइम एयरफोर्स पुलिस की यूनिफॉर्म भी पहन लेते हैं। सॉरी मैम। सॉरी मैम। चार्ली, आई विल किल यू। कम ऑन, ऐसा की तो था। इट्स ऑल इन गुड फन। यू ओके? ओके ओके ओके, चीयर अप, इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी। सॉरी मैम। बॉयज, allow me to leave. Enjoy yourselves, sir. Oh, thank you. Okay, good night. Good night, sir. Good night, sir. Good night, sir. Good night. ऐसे नहीं भाई, अच्छे खासे कवि हो। इनका मूड ठीक करने के लिए कुछ सुनाओ, वो भी गा के। Don't be silly. मैं तुझे सिर्फ लड़का देखने को कह रहा हूँ, उसके साथ मंडप में बैठा थोड़ी रहा हूँ। पर क्यों देखो लड़का? कोई जबरदस्ती है? अरे भाई, आज तक तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती हुई है क्या? डैड, आपको पता है ना, आई डोंट लाइक पायलट्स। मुझे किसी पायलट वायलट से शादी नहीं करनी। अरे बेटा मत करो, फैमिली के साथ पुराने ताल्लुकात हैं, एक बार मिल लेने में क्या हर्ज है? जब तक आप एयरफोर्स में रहे, मॉम को कितनी प्रॉब्लम हुई थी ये मैं जानती हूँ। एक ट्रांसफर से दूसरा, दूसरे से तीसरा। नो थैंक्स, मुझे बंजारों की जिंदगी नहीं जीनी। ओके फाइन। देखो, आज रात को वो डिनर पर आ रहा है, एक कमिटमेंट समझकर पूरा कर दो। और समीर, हाउस डैड? He's fine sir. आज ही उनका फोन आया था कि हाँ, मैं और वो इकट्ठा फ्लाई किया करते थे. Yeah. Those were the days. क्या हुआ? Any problems? मुझे ये फ्लाइंग की कहानियाँ बहुत बोर करती हैं. Oh really? Really? पापा आपको शायद ये ना बताए, लेकिन with all due respect, मुझे ये फ्लाइंग और पायलट्स में कुछ खास दिलचस्पी नहीं है. Oh come on Surbhi. No no sir, it's not a problem at all. हर इंसान को अपने अपनी पसंद और नापसंद का हक है. And between you and me, मुझे भी बेकार फ्लाइंग की कहानियों का शौक नहीं. अगर मैं आपसे वादा करूं कि फ्लाइंग और एयरक्राफ्ट के बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, तो क्या आप मेरी कंपनी थोड़ा और वक्त झेल पाएंगे? डील डन. दत तेरे की. कहते हैं इश्क में मार खाओ तो पत्तों में लॉटरी लगती है. अपनी तो साली दोनों दुकानें बंद हैं यार. ओए देख देख जरा, लगता है सेवों की खेप आ रही है. क्या है भाई इसमें? क्या है साबू? कुछ नहीं, सेब है. मीठे मीठे हैं? चल आ जा जरा दिखा. चल मैं दिखाता हूँ. साला अच्छे भले पत्ते खेल रहे थे, ये भी खोलो खोलो. कहाँ से? चल खोल के दिखा रे. खोल के दिखाओ. खोलो खोलो साहब, माल खराब हो जाएगा साहब. अरे खोल ना. देखो साहब, सेब ही साहब. हाँ सेब ही तो है, लेकिन देखिए साहब मीठे है कि नहीं. ला जरा देखूं. अरे यार ये तो वाकई बहुत मीठा है. अरे मीठे हैं तो एक पेटी निकाल ले, शाम को ससुराल वाले आ रहे हैं. चल जल्दी ये पेटी नीचे उतार. क्या साहब? साहब देखो हम बहुत गरीब आदमी है साहब, ऐसा मत करो साहब. इसीलिए तो एक मांग रहा हूँ, 10 नहीं मांगी तेरे से. चल नीचे उतार. साहब खाने के लिए साहब. चुप, बोलना नहीं कोई भी. नीचे उतार. ऐसा मत करो. नीचे उतार. तेरी तो ठीक है ना? बाहर रुकने गोली. चल ये और कुछ नहीं जानता सर. हाँ इतना पता चला है कि आरडीएक्स और दूसरा असलहा फौज की किसी बिल्डिंग पर हमला करने के लिए लाया गया है, लेकिन इस वक्त श्रीनगर में वो कहाँ और किसके पास है कुछ पता नहीं. आर्मी और एयरफोर्स की तमाम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अलर्ट कर दो. ये साले कब कहाँ किसका निशाना बनाएंगे पता नहीं. सिक्योरिटी जितनी टाइट हो कम है सर. एयरबेस के पैरामीटर पर गश्त बढ़ा दी गई है. सिक्योरिटी के बंदोबस्त और भी कड़े कर दिए गए हैं. सिक्योरिटी का जिम्मा क्योंकि स्क्वाड्रन लीडर सावंत का है सर. I have given him a free hand. सावंत सर, ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट्स देखते हुए मैंने फ्लाइंग ऑफिसर कुणाल तिवारी के साथ ड्यूटीज बांट ली है सर. सिक्योरिटी कवर डबल हो गया है, लेकिन हमारी फ्लाइंग ड्यूटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. गुड, कैरी ऑन. सैमी बॉय, ब्रेकफास्ट गले में आ गया क्या? ब्रेकफास्ट? लंच के लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे. What the hell guys? Stop this out. Bloody hell! तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया क्या? जीपोस के झटके से बेहोश तो नहीं हो गए सैमी बॉय? झटका इसे कहते हैं बेटा सेठ. Follow me. Enough you bloody idiots. Land. Land now I say. जरा सी जीपोस बर्दाश्त नहीं होती. नंबर 1 से मुकाबला. पायलट बने फिरते हैं. नंबर 1 माय फुट. जिंदगी में साइकिल की रेस कभी जीती नहीं। हाँ? जबान चलाने में नंबर वन है आप। क्या क्या बोला? चल मैन गाइस, ग्रो अप। तुम लोग आपस में बच्चों की तरह झगड़ा करना बंद कब करोगे? इस जन्म में तो नहीं। और बच्चों की तरह मतलब बच्चे तो हैं। कम ऑन मैन, ये गलत है। बाय बाय। देखो गलत और सही का तुम लोग फैसला करो, मैं तो चला। अपने पास फालतू का टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। ओके सी ऑल। अच्छा तो हमारे साथ बिताया हुआ टाइम वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। सारा ध्यान कहाँ है, सब पता है हमको। और सुनो, भाभी को मेरी तरफ से घटिया सी कविता सुना देना, समझे? हाँ सुना दूंगा। और आपकी सवारी किधर जा रही है? जम्मू, वीआईपी पिकअप है। अच्छा कल तो मुझे वो टैक्टिकल वॉरफेयर की किताब देने वाले थे, कहाँ गायब हो गए थे? कुछ नहीं यार, ऐसे कुछ काम था। अरे ऐसा क्या काम था कि तुम बिना बताए गायब हो गए? खास कुछ नहीं, सडनली फोन आ गया था तो जाना पड़ा। डैड ने रिश्ते की बात चलाई थी तो वो लड़के से मिलने उसके घर जाना पड़ा, यहीं श्रीनगर में। डैड के पुराने दोस्त हैं तो डिनर वगैरह की फॉर्मेलिटी थी। एनीवे, आज देता हूँ तुम्हारी किताब। इट्स ओके, आई एम गेटिंग लेट। इसे क्या हो गया? उसकी फ्लाइट है, तुम्हारा पेपर वर्क है और मेरी छुट्टी है। इस सुहाने मौसम का फायदा उठाते हुए तुम कागज पे कलम घिसो और मैं श्रीनगर का चक्कर लगा के आता हूँ। ओके? ये लीजिए। I'm sorry. No, it's okay. आप रखिए। देखिए प्लीज डोंट एम्बैरस मी, आप रख लीजिए, मैं एक और मंगा लेता हूँ। अंकल। जी साहब। अंकल ऐसा एक और होगा? ऐसा कोई और पीस नहीं है साहब। नहीं है। Yo, keep it. फिर मुझे शर्मिंदा कर रही है। मुझे पूरा यकीन है कि मुझसे ज्यादा आप पर अच्छा लगेगा। थैंक्स बट नो थैंक्स, मैं किसी से फेवर्स नहीं लेती। अरे इसमें फेवर की क्या बात है? लेकिन आपको फिर भी ऐसा लगता है तो आप ये मफलर रखने की खुशी में मेरे साथ एक कप कॉफी पी सकती हैं। हिसाब बराबर, नो फेवर्स। ओके? कॉफी। कॉफी। वेरी नाइस। जिंदगी भी एकदम कॉफी की तरह है ना, स्वाद ना आए तो कड़वी और आदत पड़ जाए तो इससे कमाल की चीज और कोई है ही नहीं। इंटरेस्टिंग फिलॉसफी। आपकी कॉफी कड़वी है या मीठी? आपकी कंपनी और इस माहौल में कॉफी का कड़वा होना नामुमकिन है। बाय द वे मैं आपका नाम नहीं जानना चाहती। जी? पहले आप अपना नाम बताएंगी, फिर मेरा जानना चाहेंगी, फिर नंबर, फिर पता। सॉरी, डील सिर्फ एक कप कॉफी की थी जो हम पी चुके। आप किस्मत में बिलीव करती हैं? डेस्टिनी? मे बी। मेरा मानना है कि हमारा मिलना लिखा है। भगवान, किस्मत, जो चाहे कह लें, हम सबको किसी न किसी मकसद से मिलाते हैं। और मेरा और आपके मिलने का मकसद सिर्फ एक कप कॉफी का प्याला हो, कुछ यकीन सा नहीं होता। वो आपकी प्रॉब्लम है। सब अलाउ मी। याद है? नो फेवर्स। ये मेरे कॉफी के पैसे। बाय बाय, सी यू। एक्सक्यूज मी, नंबर नहीं तो कम से कम नाम तो बताते जाइए। अगर आपकी सो कॉल्ड डेस्टिनी ने दोबारा मिलवाया तो नाम भी पूछ लीजिएगा और नंबर भी। ला ला भगवान, यार तुम भी बहुत जाती करते हो कभी कभी। ऐसा नहीं चलेगा। हाँ